हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथ डॉट रैंडम मेथड इन जावा। तो आज के टॉपिक में हम कम्प्लीटली समझने वाले हैं मैथ डॉट रैंडम मेथड। तो उसका डेफिनेशन भी आएगा एंड सिंटेक्स के बारे में भी जानेंगे और वन टू एन, वन से लेकर एन तक हम रैंडम नंबर किस टाइप से जनरेट कर सकते हैं वो भी जानेंगे। ओके और एक रेंज के अंदर रैंडम मेथड्स को जनरेट करना है वो भी समझेंगे और साथ में जीरो एंड वन रैंडमली किस टाइप से आएगा वो भी समझेंगे। ये सभी हम थियोरेटिकली नहीं करेंगे, थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। आप देखिए ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने सभी टर्म्स को फॉलो किया हुआ है। ओके पहले हम नॉर्मली जो रैंडम नंबर्स आते हैं 5 रैंडम नंबर्स को डिस्प्ले करेंगे, सेकेंड पार्ट में 1 to n रैंडम नंबर्स आएंगे, थर्ड पार्ट में एक रेंज के अंदर रैंडम नंबर्स एंड फोर्थ पार्ट में आपका आएगा 0 and 1। ये सभी मैं 5-5 टाइम जनरेट करके बताऊंगा। ये कंप्लीट एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है जिसके बेसिस पर रैंडम मेथड को कम्प्लीटली डीप में जाकर हम समझने वाले हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो मैथ डॉट रैंडम मेथड, दिस फंक्शन रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। ओके तो जब भी आप रैंडम मेथड लगाओगे तो ये केवल वैल्यू 0 and 1 के बीच में ही रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स द डबल टाइप वैल्यू, मींस डेसिमल्स में ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके इट मींस इट जनरेट्स ओनली डबल टाइप रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.0 एंड लेस देन 1। इसका मतलब जो भी आपके नंबर आएंगे वो 0.0 हो सकता है, ओके कॉमा 0.123 हो सकता है, आगे जाकर जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 1.0 से ही होगा। क्या 1 होगा? नहीं, लेस देन 1.0 होगा। ओके तो ये रैंडमली नंबर्स हमारे रैंडम मेथड से पिकअप होते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स है डबल मैथ डॉट रैंडम एंड राउंड ब्रैकेट में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओके एम्प्टी रहेगा। इसका मतलब इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? डबल, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी बोला हुआ है। ओके तो यहाँ पर 3 फिगर्स हम डिस्कस करने वाले हैं टू गेट द इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन 1 to n। ओके 1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड हम यूजर्स के थ्रू एंटर करेंगे, वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, कोई भी n वैल्यू हो सकती है। तो उसका सिंटेक्स है int rd इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर int मैथ डॉट रैंडम इंटू n प्लस 1। इसके थ्रू क्या होगा, अगर n का वैल्यू 10 आपने एंटर किया तो 1 से लेकर 10 तक रैंडम वैल्यू जनरेट हो जाएंगे। बट ये काम कैसे करता है प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, थियोरेटिकली समझ में आता नहीं है। ओके बस ये आपको सिंटेक्स याद रखना होगा। ओके ये सिंटेक्स जो है वो याद रखना है और इसकी वर्किंग मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप से वर्क करेगा। सेकंड पॉइंट में टू गेट द इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन मिन एंड मैक्स, बिटवीन मिन एंड मैक्स का मतलब एक तरह से रेंज हम एंटर करेंगे, एक मिनिमम वैल्यू एंटर करेंगे, एक मैक्सिमम वैल्यू एंटर करेंगे, एक रेंज बन जाएगा। तो उस रेंज के अंदर रैंडम वैल्यूज हमें जनरेट करना है। तो उसके लिए कम्प्लीटली फार्मूला है int rd इज इक्वल टू, rd हमारा एक वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर int, इसका क्या मीनिंग है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। ये जो हम int लिख रहे हैं ना ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम मेथड डबल वैल्यू रिटर्न करेगा इसलिए, और हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। ओके तो ये आपको कम्प्लीटली सिंटेक्स याद रखना होगा अगर रेंज के बीच में निकालना है। सेकेंड थर्ड पॉइंट है टू गेट 0 and 1, समटाइम्स ओनली वी नीड टू गेट 0 1 0 1, है ना, लाइक जो हमारा कॉइन होता है उसके हेड एंड टेल रहता है उस टाइप से अगर हमें केवल पिकअप करना है 0 and 1 तो उसके लिए सिंटेक्स ये है। अब ये 3 पॉइंट्स में प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और वहीं पर पूरा कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। तो प्रैक्टिकल पर आते हैं।
तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है, काफ़ी लेंथी प्रोग्राम मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। अगर ये प्रोग्राम आपको, इस प्रोग्राम की कोडिंग अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई सेंड कर सकते हो, मैं इसका कोडिंग आपको सेंड कर दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता ही रहता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो। ओके, तो और ये एक तरह से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, मेन्यू ड्रिवन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर ये एक तरह से मेन्यू आ रहा है, एंटर योर चॉइस, यहाँ पर एक चॉइस एंटर करेंगे। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले मैं इसे रन करके बताता हूँ, देखते हैं क्या जनरेट होगा। हमने चॉइस वन एंटर किया और ये रैंडम वैल्यूज, फाइव रैंडम वैल्यूज जनरेट हो गए। ओके, तो प्रैक्टिकली तो ये फाइव वैल्यूज जनरेट हो गए। इसका कोडिंग से मैच करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस टाइप से ये फाइव वैल्यूज जनरेट हुए। तो हमने चॉइस एंटर किया था वन, स्विच चॉइस वन, केस वन एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहले ये एसओपी रन हुआ होगा जिसके बेसिस पर ये लाइन प्रिंट हो रही है। ओके, एंड देन फिर एक मैसेज आया, एनी फाइव रैंडम नंबर्स, यहाँ से ये लाइन आ गया। एंड देन मैंने एक लूप एग्जीक्यूट किया है 1 to 5, ये जो टू लाइंस हैं ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाली हैं। तो ये है मैट डॉट रैंडम मेथड की वर्किंग। यहाँ से क्या होगा, ये एक वैल्यू थ्रो करेगा, आरडी के अंदर वैल्यू जाएगी और यहाँ पर आरडी प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू इसने पिकअप की, ये इतना बड़ा वैल्यू है 0.8627 ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये एक नंबर जनरेट हुआ। लूप अगेन रन हुआ, सेकंड रैंडम नंबर जनरेट हुआ, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये इतने रैंडम वैल्यूज आपकी जनरेट हो गए। तो यहाँ पर तो नॉर्मल मैंने रैंडम वैल्यू जनरेट करके बताई है, हमें ये वैल्यूज की जरूरत नहीं होती। हमें जनरली जरूरत होगी तो 1 to n रैंडम नंबर जनरेट करने हैं उसकी, मीन सेकेंड पार्ट की। तो उसे एग्जीक्यूट करते हैं और केस टू को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, तो पहले ये जो यहाँ पर 1 to n का हमने सिंटेक्स लिखा हुआ है, जो मैंने याद करने के लिए आपको दिया है, उसे समझने से पहले हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, तो एंटर 2 टू प्रिंट 5 इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन 1 to n। तो यहाँ पर पहले तो हम चॉइस 2 एंटर करेंगे, जैसे कि ये सेकंड केस में चला जाएगा, एंटर वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर आप क्या एंटर करना चाहते हो, सपोज मैंने 20 एंटर कर दिया। ओके, तो n की वैल्यू 20 और ये रैंडम वैल्यूज जनरेट हो गए। अब हम कोडिंग से मैच करते हुए चलेंगे, यहाँ पर ये केस 2 है, केस 2 हमारा एग्जीक्यूट हुआ, n एंटर वैल्यू ऑफ n जो कि हमने 20 एंटर की थी। ओके, और ये 5 टाइम लूप रन होगा। यहाँ से देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली हमें वैल्यू तो ओनली ये चाहिए। ओके, 14, 6, 3, 2, 7, ये 1 to 20 के बीच में ही वैल्यूज मिलेंगी, 20 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन ये 14 कैसे आया, 6 कैसे आया। ओके, तो उसके लिए मैंने वो रैंडम वैल्यू भी जनरेट की है कि उसने 1 to 0 क्या पिकअप किया, जिसकी वजह से आपका 14 बना, 6 बना। ओके, उससे बेटर समझ में आ जाएगा। ये वैल्यूज की जरूरत नहीं है प्रिंट करने की, बस आपको समझाने के पर्पज से मैंने ये लिखा है। ओके, तो गलत इंटरप्रेट नहीं करना है, केवल समझना है डीप में। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या किया है, रैंडम मेथड से पहले रैंडम वैल्यू निकाला, उसके बाद उसको फार्मूला में अप्लाई किया है, आरडी इनटू एन प्लस 1। ओके, ये फार्मूला आप याद रखिए, यहाँ पर रैंडम वैल्यू भी प्रिंट हो रही है और रैंडम ये भी निकल रहा है। अब ये आया कैसे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, अब रैंडम वैल्यू उसने जनरेट की 0.68388। जब आप 20 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपको 13 मिलेगा, 13 पॉइंट समथिंग जो भी है, और उसमें प्लस 1 हो जाएगा। ओके, जैसे ही प्लस 1 होगा तो ये 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये इंट की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, तो यहाँ पर 14 बचा। ऐसे ही
0.2584 में जब आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि n 20 है, तो आपको मिलेगा 5 point something, और उसमें प्लस 1 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये वाला जो प्लस 1 है। ओके, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, जो मैं बता रहा हूँ वही हो रहा है बस। तो इस टाइप से हमारी ये रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। तो यहाँ पर केस टू आपको समझ में आ गया होगा, 1 to n रैंडम वैल्यूज किस टाइप से जनरेट हुई हैं। ओके, इसीलिए मैंने ये जो कंप्यूटर रैंडम वैल्यूज जनरेट कर रहा है वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, जितना आपकी आंखों के सामने विजुलाइजेशन होगा हर चीज़ का बोलने के साथ साथ उतना बेटर समझ में आता है। तो मैंने इसी टाइप से इस कोड को डेवलप किया है कि हवा में बात ना करते हुए सब कुछ आपकी आंखों के सामने डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, जब हम जेन्युइन कोड करेंगे तो हमें केवल ये वैल्यू से मतलब है ओनली, और ये वर्क कैसे कर रहा है उससे मतलब है। ओके, केवल समझने के पर्पज से। अब रेंज का देखते हैं केस थ्री। तो अब एग्जीक्यूट करते हैं केस थ्री। केस थ्री में क्या है, एंटर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, जिसमें हम मिन नंबर एंटर करेंगे और मैक्स नंबर एंटर करेंगे, तो एक तरह से रेंज एंटर हो जाएगी। तो उस रेंज के बीच में आपका ये कोड रन होगा, इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसे रन करते हैं केस थ्री एंटर करके। तो जैसे ही हम यहां पर 3 एंटर करेंगे, एंटर मिन नंबर एंड मैक्स नंबर ये पूछेगा हमसे। तो मिन नंबर हमने एंटर किया 10, मैक्स नंबर एंटर किया 40, और ये वैल्यूज जनरेट हो गई। ओके, तो कोडिंग से मैपिंग करते हुए चलते हैं इन वैल्यूज को। तो देखिए ये यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि 10 और 40 के बीच में है या नहीं। तो देखिए ये ऑल वैल्यूज 10 और 40 के बीच में आ रहा है, और यहाँ पर मैंने वो रैंडम वैल्यूज भी जनरेट की जिसकी वजह से ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आर डी इंटू मैक्स माइनस मिन प्लस 1 एंड उसके बाद प्लस मिन। तो यहाँ हमने किया है 40 माइनस 10 प्लस 1 मीन्स 31, एंड 31 का पहले इस रैंडम वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा और फिर मिन वैल्यू प्लस हो जाएगी। ओके, अब मिन वैल्यू तो है 10 और यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 26। इसका मतलब जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया होगा तो उसका रिजल्ट बना होगा 16। ओके, तो टोटल रिजल्ट इसका 16 प्लस 10, इसका मतलब हो गया 26। तो आपका काम ये है 31 का इस 5 में मल्टीप्लाई करना और देखना 16 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर हम थोड़ा सा हल्का फुल्का देखें तो 5 इंटू 3 ही अराउंड 15 हो गया, तो 16 तो बन रहा है, पता ही चल रहा है। ओके, तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देखिए, एकदम परफेक्ट आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। पॉइंट की वैल्यू एलिमिनेट हो गई कन्वर्ट करने से, तो ये वैल्यूज आपकी जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो साथ में आप रैंडम वैल्यू भी देख पा रहे हो जिसकी वजह से ये रैंडम वैल्यूज आ रहे हैं। जनरली क्या होता है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जैसा टीचर बताता है उस टाइप से हम प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन वो वैल्यूज जनरली आई कैसे हैं वो पता नहीं चल पाता है। तो मैं विजुलाइज करके ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जो भी आपकी रैंडम वैल्यूज पिकअप हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो कम्प्लीटली आपको बस ये कि याद तो करना ही पड़ेगा जो ये सिंटैक्स है कि किस टाइप से ये रैंडम वैल्यू पिकअप हुई, बस उसको फॉलो करके देखिए, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। ओके, तो ये हो गया केस थ्री। अब केस फोर को देखते हैं जिसमें 0 and 101 आपकी डिस्प्ले होंगी केस फोर में। तो केस फोर में बस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 010101। ओके, इट मीन्स रैंडम फंक्शन में जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वहां तक रैंडम वैल्यू 0 से लेकर डिस्प्ले होती हैं। तो पहले इसे रन करते हैं। तो यहां पर हमने 4 एंटर किया एंड 10011 ये वैल्यूज डिस्प्ले हुई। तो देखिए कोडिंग जरा, तो रैंडम वैल्यू यहाँ जनरेट हुई, रैंडम इनटू 2 कर दिया और इंट में कन्वर्ट कर लिया,
जैसे पहले वैल्यू इन्होंने इनकी जनरेट हुई थी 0.7, तो ये 1 बन गया, 0.000 रह गया, फिर 0.20, 0.9, 1 आ गया। तो इस टाइप से आप समझ पा रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0101 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। करके देखिए, मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग होगा, इतना केवल मल्टीप्लाई करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये था रैंडम फंक्शन का फुल डिस्क्रिप्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो यहाँ पर, अगर आपको ये कोड चाहिए जो मैंने ये बनाया है, जिसमें ये सभी पॉसिबिलिटीज आपको रैंडम फंक्शन के बारे में समझ में आ रहा है, ये काफ़ी लेंदी कोड है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड द कोड या हाई मैसेज कर सकते हो अबाउट द रैंडम मेथड। बस सेंड द कोड ऑफ रैंडम मेथड, ये मैसेज देना है, देन आई विल सेंड दिस कोड टू यू। ओके, और व्हाट्सएप नंबर मेरा कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, और स्क्रीन पर भी कई बार डिस्प्ले हुआ है नीचे। ओके, डाउट्स क्लियर करने के लिए, और अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक पर, वो भी शेयर कर सकते हो मुझसे, मेरे साथ, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर शेयर करूँगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट उस टॉपिक से रिलेटेड जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।